हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको फोटोशॉप ओपन करने के चार तरीके बताऊंगा जिनको आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानने के लिए आज इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप या कंप्यूटर में फोटोशॉप ओपन करने का जो सबसे पहला तरीका है वो यह है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करना है, साथ साथ उसके बाद आपके सामने चेकबॉक्स आ जाएगा। उस चेकबॉक्स में आपको लिखना है फोटोशॉप, आपको फोटोशॉप लिखना है। आप फोटोशॉप लिखिए, आपके में जो भी वर्जन होगा वो आपको ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे ओपन करने के लिए आपको ओके या एंटर कर देना है कीबोर्ड में। तो जैसे आप ओके एंटर करेंगे उसके बाद आपका जो फोटोशॉप है वो आपका ओपन हो जाएगा कुछ मतलब 30 या 40 सेकंड में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ओके एंटर कर देंगे उसके बाद आपका जो है फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें अपना कार्य कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, फोटोशॉप को ओपन करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आना है, जो आपको विंडो का बटन होता है इस पर आपको क्लिक करना है। उसका जैसे ही आप विंडो बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो है स्टार्ट वाले जो पेज में बहुत सारे आपको ऑप्शन आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको जो है आपका जो फोटोशॉप होगा, आपका जो भी वर्जन होगा वो आपका फर्स्ट में ही आ जाएगा। फर्स्ट में ना आए तो आपको थोड़ा नीचे आना है, तो आपको नीचे मिल जाएगा, सही ना। तो यदि आपका ऊपर ही आ रहा है तो आपको यहाँ पर जैसे ही मतलब एड मतलब यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है तो आपको नीचे आना है और नीचे आपका मिल जाएगा, सही ना। अगर आपका ऊपर आ रहा है तो आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका जो फोटोशॉप है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप या कंप्यूटर में फोटोशॉप को ओपन करने का ये तो था दूसरा तरीका, अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा तरीका। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप या कंप्यूटर में फोटोशॉप को ओपन करने का तीसरा तरीका वो ये है कि आपको यहाँ पर सर्च बार में आना है, जो विंडो सर्च बार इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिंपली फोटोशॉप, आपको फोटोशॉप लिख देना है। आप जैसे ही फोटोशॉप टाइप करेंगे उसके बाद आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी फोटोशॉप होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तभी ये ओपन हो जाएगा, और नहीं तो आपको यहाँ पर एक ओपन का ऑप्शन आ रहा है तो आपको ओपन पर क्लिक कर देंगे या यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, दोनों तरीके से जो भी आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप ओपन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका जो फोटोशॉप है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप या कंप्यूटर में फोटोशॉप ओपन करने का ये तो तीसरा तरीका था, अब मैं आपको चौथा तरीका बता रहा हूँ कि लैपटॉप या कंप्यूटर में फोटोशॉप को चौथे तरीके से किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ पर फिर सर्च बार में आना है और आपको दोबारा से फिर यहाँ पर फोटोशॉप टाइप करना है। तो आप जैसे फोटोशॉप टाइप करेंगे तो आपका ऊपर सर्च में आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका इधर भी आ जाए फोटोशॉप, तभी उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल ओपन फाइल लोकेशन, तो आपको ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका जहां भी फोटोशॉप होगा वहां पर आपका ये ओपन हो जाएगा। तो इसको क्या करना है कि आपको इसे उठा के और डेस्कटॉप पर ले आना है। तो इसे उठाने के लिए आपको क्या करना है कि आपके माउस की लेफ्ट पहले से सेलेक्ट कर लेना है माउस की लेफ्ट बटन से। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको माउस की लेफ्ट बटन को दबाए रखना है और इसे लेफ्ट जो कंप्यूटर लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है उस पर आपको ड्रैग कर देना है, यानी कि इसे मूव कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको मतलब जैसे ही आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप में अपना मतलब ओपन कर लें उसके बाद आपका मन करे फोटोशॉप ओपन करने का, तो आपको जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप पर कर लेंगे तो इसे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली ओपन करने के लिए आपको उसमें डबल क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप डबल क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आपका फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। आपका वर्जन कोई सा भी हो, सब में प्रोसेस सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चार तरीके थे जो कि मैंने आपको बताए। तो यदि आपको ये तरीके पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि आपका कोई क्वेश्चन या डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।